मौसम की बात करें तो सिंध के अक्सर मकामात पर मौसम गर्म और कहीं शदीद गर्म रहेगा। कराची समेत सिंध के साहली पट्टी पर मतला जसवी तौर पर अबर आलूद और तेज हवाएं चलती रहेंगी। उन्हीं बात समीर शाह मजीद तफसीलात से आगाह कर रही हैं। सिंध के अक्सर मकामात पर इन दिनों गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध के अक्सर मकामात पर इन दिनों मौसम गर्म और कहीं शदीद गर्म रहता है, जबकि कराची समेत सिंध की साहली पट्टी पर मतला ना सिर्फ जुजवी अबर आलूद रहता है बल्कि तेज़ हवाएं भी चलती रहती हैं। कराची में सुबह से ही मतला जुजवी अबर आलूद है और समुद्री हवाएँ 18 से 20 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। शाम में इन समुद्री हवाओं की रफ्तार में इजाफा हो जाता है और शाम में मौसम काफ़ी बेहतर रहता है। लेकिन अक्टूबर का महीना सिंध का तीसरा गर्म तरीन महीना करार दिया जाता है। यही वजह है कि महकमा मौसमियात ने यह पेशेंगोई की है कि आइंदा आने वाले दिनों में मौसम गर्म हो सकता है। कहा जा रहा है कि 8 या 9 अक्टूबर से कराची समेत सिंध के बेशतर मकामात पर दर्जा हरारत में इजाफा हो सकता है। सिंध के वस्ती और बलाई इलाके हैं, वहाँ पर दिन के दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे तजावुज़ कर सकते हैं, जबकि कराची में दिन के दर्जा हरारत 8 या 9 अक्टूबर के बाद से 37 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रह सकते हैं। आइंदा आने वाले दिनों में मौसम में फिलहाल बेहतरी का इम्कान नहीं, जबकि मौसम ज़्यादातर गर्मी रहेगा, लेकिन अक्टूबर के बाद अगर खुश्क हवाएं कराची में चलती हैं तो रातें थोड़ी बहुत खुनक हो सकती हैं।